हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट आर्ट गैलरी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं कान्हा जी के लिए गुजराती ट्रेडिशनल ड्रेस, जो कि बनाना बहुत ज्यादा आसान है और इसको सजाना और भी ज्यादा प्यारा लगता है जब हम सोच के चलते हैं कि कान्हा जी को हम इस तरह की ट्रेडिशनल ड्रेस हम पहनाएंगे। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। कान्हा जी के लिए ट्रेडिशनल लुक वाली थोड़ी हैवी ड्रेस बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है, कपड़ा लिया है मैंने, सिल्क वाला कपड़ा यूज किया है मैंने यहाँ पे। आप अपना जो फैब्रिक है जो भी यूज करना चाहते हैं वो आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ मैंने पम्पर फ्लॉर्स यूज किए हैं, आप चाहे तो इन्हें घर पे भी बना सकते हैं, घर पे भी ये इजीली बनते हैं और वैसे भी आजकल ये मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे पेस्टिंग, मैंने यहाँ पे बीट्स लिए हैं, इसी तरह के बीट्स यहाँ पे हैं जो थोड़ा हल्का ब्राउन कलर है इनका, और मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर की लेस भी यूज की है। लेस आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बेल चेन यूज की है और पतली वाली बेल चेन यूज की है। तो चलिए कान्हा जी की ड्रेस को हम बनाना शुरू करते हैं। जो हमने यहाँ पे मैन फैब्रिक लिया है, इस फैब्रिक के लिए जो हम कान्हा जी की ड्रेस बना रहे हैं वो हम 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए भी इसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको कटिंग करना बताऊंगी आपको, कैसे हम इसी ड्रेस को 1 नंबर या 2 नंबर के जो कान्हा जी होते हैं उनके लिए भी हम इस ड्रेस को कैसे कटिंग करेंगे। तो इसके लिए 1/2 मीटर से भी कम मैंने कपड़ा लिया है और सबसे पहले हमने यहाँ पे बुकरम को कट किया है। बुकरम कट करने के लिए जो हमारा ये है, हमने जो पहला सर्कल लगा रखा है इसमें, ये हमने एक सीढ़ी के नाप का लिया है। मैंने आपको पहले भी बताया है अपनी कई वीडियोस में कि जो हम लड्डू गोपाल 1 नंबर के जो हमारे कान्हा जी होते हैं वो हम सीढ़ी के नाप का उनको हम प्रॉपर रखते हैं। सीढ़ी के नाप जो होता है वो कान्हा जी के लिए एकदम ठीक होता है। और मैंने यहाँ पे इसी को नाप का यहाँ पे पहले से सर्कल बना के रखा है और ये है जो हमारे सीढ़ी का माप है, ये है लगभग 2.5 इंच है हमारा। और इससे हमने 2 इंच यहाँ पे फालतू लिया है, इसको इस सर्कल से फालतू लिया है, मतलब यहाँ पे हमने ये लगभग 4 इंच का लिया है ये जो पूरा गोल सर्कल है। और ये हमारे 3 से 4 नंबर के कान्हा जी के लिए फुल ड्रेस तैयार हो जाएगी। और इसी नाप का जो मैंने ये कट किया है, इसी तरह से हम फैब्रिक जो हमारा मैन फैब्रिक है इसके ऊपर हम इसको रखेंगे और इसको इसी तरह से कट कर लेंगे। जब हम हमारा मैन फैब्रिक कट करेंगे तो पहले हमने यहाँ पे बुकरम को कट कर लिया है और इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से इस पे निशान लगाएंगे चारों तरफ को। और इस तरह निशान लगाने के बाद हम इसके साइज का इसको कट कर लेंगे। अगर आपके पास आलपिन्स वगैरह हैं तो आलपिन आप यूज करके इसको, या पेस्टिंग जो हमारी बुकरम होती है, पेस्टिंग बुकरम को आप प्रेस से इससे पेस्ट करके इसको हम इजीली काट सकते हैं। आज मेरे पास ये इजीली पेस्टिंग बुकरम नहीं है तो इसलिए मैं इस तरह से निशान लगा के इसको कट कर रही हूँ। इस तरह हमने हमारे मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम इसको उल्टी साइड से हम इसको इस तरह से इस पे या तो हम पेस्ट करेंगे, पेस्टिंग अगर हमारी बुकरम होती तो हम इसको पेस्ट कर लेते, लेकिन अब मेरे पास पेस्टिंग बुकरम नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी इस पे चारों तरफ इस तरह से। अब मैंने यहाँ बुकरम के साथ जो हमारा मेन फैब्रिक था उसको स्टिच कर लिया है। और ये देखिए यहाँ पे अभी मैंने इसको बीच वाले सेंटर पॉइंट से कट नहीं किया है, यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगाई है जो कि मैंने पीछे की तरफ सेंटर पॉइंट पे निशान लगाया था जहां से हम कान्हा जी की चोली को कट करेंगे। अब इस तरह से कपड़े को स्टिच करने के बाद जो मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे पूरा कपड़े को भी हमें, जिससे हमारा माप भी सही रहेगा और हमारे जो कान्हा जी की जो चोली का माप है वो एकदम से परफेक्टली कट जाएगा। और जो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर निशान लगाया है यहाँ पे लगभग अंदाजे से या फिर माप के लगभग 1/2 इंच के बराबर हम कान्हा जी की जो चोली वाला पार्ट है उसको कट कर लेंगे इस तरह से, 1/2 इंच से ज्यादा नहीं करेंगे इस तरह से। ये देखिए कान्हा जी की चोली का पार्ट कट चुका है। और अब जो हमारा ये जहाँ पे मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है अब इसी माप निशान से मैं इसको कट कर दूंगी। अब ये हमारे कान्हा जी की चोली का सर्कल रेडी हो गया है। और अब मैं ये जो हमारा इस तरफ से जो हमने सिलाई लगाई थी उल्टी तरफ से अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इसको मैंने सीधा कर लिया है, उल्टी साइड को अंदर की तरफ कर दिया है ये देखिए। और अब जो हमारे ये जो पीछे वाला साइड है जो कान्हा जी का, इस पर मैं गोल्डन लेस का यूज कर रही हूँ। इस पे आप अपनी मनचाही लेस का यूज कर सकते हैं या कपड़े का भी, जैसे हम पाइपिंग पट्टी वगैरह लगाते हैं उस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस पे गोल्डन लेस से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। यहाँ पे पार्ट पे मशीन से
हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब ये पूरा घेरा हमारा डेकोरेट होने के लिए रेडी है और अब हम यूज करेंगे हमारे पम-पम फ्लावर्स का, चारों तरफ उसको पेस्ट कर देंगे या आप सुई धागे से भी उसको इजीली सिल सकती हैं। हम ग्लू गन की हेल्प से इस पे हम ये जो पम-पम फ्लावर्स हैं उनको लगाएंगे। आप इन्हें सुई धागे से भी अटैच कर सकते हैं इजीली अगर आपके पास ग्लू गन वगैरह नहीं है तो। और अब हम ग्लू से ही इसमें मिरर, इसके बीच में हम मिरर लगाएंगे। आप डेकोरेट अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे भी आपके माइंड में कॉन्सेप्ट हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि कान्हा जी को सजाना जिन लोगों को अच्छा लगता है वो अपने पहले से ही उनके मन में छवि होती है और वो उस हिसाब से ही उनकी कान्हा जी के लिए ड्रेसेस वगैरह तैयार करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। आउटर लाइन को यहाँ पे डेकोरेट कर लिया है। अगर आप इस तरह से भी आउटर लाइन को इस तरह से भी डेकोरेट नहीं करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई लेस वगैरह है इस तरह की तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे मिलती जुलती ही लेस ली है और इस लेस को मैं अब अंदर की तरफ इसको डेकोरेट करूंगी, लेकिन इसको मैं अलग अलग कट करूंगी और इसको जब फिर इसके बाद मैं फिर से पेस्ट करूंगी। काट के अलग कर दिया है, पहले हम इनको रफली इस तरह से रख के देखेंगे और फिर इसके बाद इनको हम एक शेप में इस तरह से साथ के साथ इनको अटैच करते हुए जाएंगे। आप इनको सुई धागे से नहीं, क्योंकि ये जो मिरर है बीच में इससे हम सुई धागे से अगर यूज करेंगे तो कई बार लगने का डर रहता है, तो इसको भी हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्लू गन का यूज किया है, आप फेविक्विक वगैरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारा जो फेविकॉल होता है वो जल्दी से हट जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे या तो ग्लू गन का यूज करेंगे या फेविक्विक का। और इस तरह से हम इनको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। अब हम इनको सेट करने के बाद अब हम फेविकॉल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब इसमें हम बेलचैन लगा रहे हैं। इस तरह बेल चैन लगाने के बाद थोड़ी देर इसको सूखने देंगे और इसके बाद हमारे पास जो बीट्स हैं हम उनको इसमें डेकोरेट करेंगे। बीट्स को भी हम इसी तरह से चारों तरफ से इसमें डेकोरेट करेंगे। इस तरह ड्रेस को डेकोरेट करने के बाद इसको 10-15 मिनट के लिए हम सूखने के लिए छोड़ेंगे। तब तक ये सूखते हैं तब तक हम कान्हा जी की चोली तैयार करेंगे। कान्हा जी की चोली बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 8 इंच लंबा कपड़ा और जिसकी चौड़ाई रखी है मैंने यहाँ पे 3 इंच रखी है। और अब इसको हम ऐसे, ये हमारी सीधी साइड है ये उल्टी साइड है, अब इसको इस तरह से हम पहले डबल सिलाई कर लेंगे इसकी। इस तरह इसको उल्टा सिलने के बाद किसी पेन या पेंसिल की हेल्प से हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा हो जाता है ये इजीली। इसको सीधा करने के बाद अब इसको हम यहाँ से ऐसे बराबर करेंगे और बीच से इसको बराबर करने के बाद बीच से इसको कट कर देंगे। बराबर काटने के बाद इसको हम यहाँ पे लगभग 1 इंच के बराबर इस पे इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे।
से ये चोली का आगे वाला पार्ट हो जाएगा। और अब हम इसको उल्टा करने के बाद अब जो कान्हा जी की जो हमने बाजू बनाने हैं, बाजू के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से बाहर वाले हिस्से की तरफ यहाँ पे भी हम लगभग आधा इंच के निशान लगाएंगे दोनों तरफ को। तरह मैंने बाहर वाले दोनों हिस्सों पे यहाँ पे आधा इंच के बराबर यहाँ पे सिलाई लगा ली है। और अब इसको मैं सीधा करूंगी तो कान्हा जी की चोली कुछ इस तरह से दिखाई देगी। और जब हम इसको सेट करते हैं तो हमेशा इस तरह से सेट करते हैं, जैसे अब ये सीधा वाला पार्ट हो गया, ऐसे सीधा, अब ये सीधा दिखाई दे रहा है। और जब हम इसको सिलेंगे तो ये वाला जो कोना है, और इस तरह से इसको हम सिलते हैं। मैंने चोली को भी इसमें अटैच कर दिया है। और अब हम चोली को भी जिस तरह से हमने फ्रिल को डेकोरेट किया था, उसी तरह से हम अब ये जो हमारे कान्हा जी की चोली है इसको भी थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, ताकि जो हमारी पूरी ड्रेस है एकदम से हैवी लुक में दिखाई दे। ये देखिए हमारे कान्हा जी की ब्यूटीफुल सी गुजराती ट्रेडिशनल ड्रेस बनके रेडी हो चुकी है। आप अपने कान्हा जी के लिए जरूर ये ड्रेस ट्राई कीजिएगा, ये कान्हा जी के लिए बहुत सुंदर सी ड्रेस है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट्स जरूर करें, और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को मेरा दिल से थैंक यू है।